पीने की सब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और भीड़ बहुत काफी आ गया है। प्रशासन यह चाहता है कि यह कैसे फेल हो जाए। अर्जी कर ही जाएंगे, हिम्मत तो भी नहीं। अगर हिम्मत होती तो आ जाते ना। वो क्या विवाद होते, उसका दौड़ है। अभी मेरी बेटी IAS की एग्जाम देगी, काठमांडू से आया, यूपी से, वो तो बहुत दूर से दूसरा आया। बाबा की कृपा हो तो उसका नौकरी लग जाए। जय श्री राम। वेलकम बैक, मैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग प्रमुखाश्रम से। दोस्तों अभी हम आ गए हैं बाबा जैसे बागेश्वर धाम जी, जो है जो धीरेन्द्र शास्त्री जो जिस पंडाल में अपना प्रवचन देते हैं, अपना दिव्य दरबार लगाने वाले हैं, उसी जगह पर हम आ गए हैं। देख सकते हैं जो पंडाल के नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब किस प्रकार से लोगों का मतलब पूरा भीड़ पड़ा हुआ है। कहाँ से हैं बाबा आप? हम कैमूर जिला से आए। कैमूर जिला से रामायण से आए। रामायण शास्त्री नाम हुआ, अभी 20 मिनट हुआ है हमको तो। अच्छा, क्या और हमारे जिला से लगभग 5000 लोग आए हुए हैं। अच्छा। इंटरसिटी से। बिल्कुल। और इस भावना से कि हीनम भावम दूरम न पश्यति सहैव हिंदुअ, हीन भावना से किसी व्यक्ति को सनातन धर्म में नहीं देखते हैं। और इस उदार से आए कि संत दरस जिमि पातक तरई, संत के दर्शन मात्र से ही जो सो पाप तर जाता है। इस उद्देश्य से सारे अनुमान लोग लाए कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख जुटेंगे, लेकिन अनुमान से बेसी जो 10 लाख बता रहे हैं, ये वह कि 10 लाख लगभग जो जुट गए। बताया जा रहा है कि और भी संख्या बढ़ने वाला है। और उधर भोजन का और पानी का बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। इसमें जो है वो कहीं कुतराई नहीं है, हर चीज़ का व्यवस्था किया गया। हाँ, हर चीज़ का व्यवस्था है। और हमारे पागलों जो है सो यहाँ बहुत ज़्यादा है, हम नहीं जानते। और भीड़ बहुत काफ़ी आ गया, मतलब जितना उम्मीद किया गया था उससे दूना तीन गुना आ गया। तो यहाँ पे आप कब तक रहिएगा, यहाँ पे अपना डेरा कब तक जमाए? हम रात्रि भर रहेंगे, कल जो सो जाएंगे और लोग जो सो रहेंगे अभी। और भक्त के लिए क्या आपका संदेश रहेगा, जो भक्त? हमारा संदेश यही है कि सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और क्या कहते हैं कि भावम दीक्षति में देवता, भाव से कहीं भी जो है भगवान का नाम लेगा वह हनुमान जी जो सो उपस्थित हो जाएंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत मतलब जैसे सत्ता वाले जो मतलब लोग हैं वो लोग बोल रहे थे कि इस तरह से सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, तो क्या इस पे आप कुछ बोलना चाहोगे? इस सनातन धर्म के प्रति तो श्रद्धा है, देखिए जिसके पास श्रद्धा है तो हृदय में रमण करते हैं, और जो श्रद्धा से नहीं करता है तो उसके दिमाग में खटकता है, अर्थात दिमाग में भी रमण करते हैं। जैसे रावण के हृदय में शिव जी रमण करते थे, और जिस समय हनुमान जी गए लंका जला दिए तो रावण के दिमाग में हनुमान जी जो सो खटकने लगे, उसी प्रकार से जो सो यहाँ के भी लोग हैं कि दिमाग में खटके दोनों तरह से जो सो चलते हैं। जो भक्त होता है तो हृदय में रमण करता है, हृदय में जो सो रमता है, और जो भक्त नहीं है तो उस दिमाग में खटकता है। यही बात, उसी प्रकार से तेज पदमाज को भी दिमाग में खटकते हैं, क्या कहते हैं बागेश्वर वाले बाबा हनुमान जी, वो भी सनातनीय है, यही धर्म के मानने वाले हैं। और भक्त के लिए मतलब जो फोकस पॉइंट रहेगा और संदेश रहेगा क्या, मतलब जो आने के लिए यहाँ पर मतलब आएंगे मतलब अपना मनोकामनाएं पूरा करने के लिए? यही है कि बाबा जैसे कि जनता तो अनुमान लगाया कि 3 लाख 4 लाख, लेकिन बाबा का भी ये अनुमान नहीं था कि इतना जो सो बिहार में जुट जाएंगे। कल का जो सो TV पर आया है कि अनुमान से उनके भी ज़्यादा जो सो भक्त जो सो जुट गए। हमारे पागलों जो है सो यहाँ बहुत ज़्यादा है, हम नहीं जानते, ये बाबा कल का बोले। भक्त जनों के लिए क्या व्यवस्था, कैसे क्या? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया है, हर चीज़ का मतलब यहाँ सुविधा मिल रहा है। कोई व्यवस्था, पानी लेने के लिए हम लोग गाँव में गए तब पानी मिला है। पानी का तो व्यवस्था मतलब उस साइड बताया जा रहा है कि इतना भीड़ है कि केवल कारण से जो तो सारा व्यवस्था है। गेट के उस पर जाएंगे तो भोजन और पानी का वहाँ व्यवस्था है अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ बराती आता है 2000 का, खाने पीने की सब व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है, लोग को पता नहीं चल रहा है इधर क्या व्यवस्था है। और आपको मतलब क्या मतलब दिक्कत और क्या बोले का यहाँ पे अभाव रहा। सरकार को चाहिए कि जब उन बाहर बाहर से आता है उसको स्वागत करें, ये नहीं कि अपने देश का बाहर का आदमी आ गया, नहीं कि काठमांडू से आया, यूपी से, वो तो बहुत दूर से दूसरा आए, उसका स्वागत करना चाहिए। हम बनारस गए थे, बाबा वहाँ भी आए थे, वहाँ इतना स्वागत सरकार की सहमति थी, बाकी जनता का वहाँ का जो भी थे बहुत, यहाँ उतना
फैसिलिटी भी नहीं है उस तरह से। प्रशासन की कोई सहमति नहीं है, प्रशासन इसमें कोई मतलब, प्रशासन यह चाहता है कि यह कैसे फेल हो जाए। माने प्रोग्राम होने से दो दिन पहले तक यहाँ के गांव में जाने से पता ये चला कि दो दिन सरकार कहीं कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ प्रोग्राम हो। सरकार का कुछ सहयोग है ही नहीं है, सरकार इसके विरोध में प्रोग्राम की थी, है ना। अगर सरकार कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर करती तो व्यवस्था जो है बहुत अच्छा होता। यहाँ की जनता लोगों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ किया है, लेकिन सरकार की दुर्व्यवस्था उनके नाकामी के चलते, डिस्टर्बेंस के चलते यह व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ा गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नौबतपुरवासी को धन्यवाद देना चाहिए। नमस्ते, नौबतपुरवासी को धन्यवाद देना चाहिए कि नौबतपुर के जितने समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग दिल खोल के मदद किए हैं। ये बहुत सारी व्यवस्था है, व्यवस्था बिहार में संभव नहीं है, किसी के बस की बात नहीं। फिर भी उन्होंने किया, पब्लिक की क्राउड जरूरत से ज्यादा आ गई। एक्शन था कि कम से कम 3-4 लाख पब्लिक आ गई, 6-7 लाख, तो 3-4 लाख पब्लिक का जो है क्राउड बढ़ गया। तो स्वाभाविक है कुछ तो अंतर होगा। पहले सरकार का सहयोग नहीं मिला जिसके बाद सरकार से है, बिहार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति स्पष्ट रूप से दिखाई दी आप लोगों को, जो पिछले बिहार सरकार आ गया कोई भी बिहार का जनता यहाँ 6-7 लाख जनता बिहार का यहाँ महसूस किया कि जैसे तेजस्वी यादव बोल रहा था कि बाबा को डरने नहीं देंगे, इतनी हिम्मत तो भी नहीं, अगर हिम्मत होती तो आज आते ना, वो काफिया दिला देते इस बार, होश में ला देंगे, पहाड़ नहीं है कोई। लेकिन जो उन्होंने किया है सौतेलापन हिंदुओं के साथ, रिजल्ट उनको मिल गया। कुंभ जो है जिस प्रकार से इलाहाबाद कुंभ लगता है, उसी प्रकार से यह कुंभ जो सुन लग गया एक प्रकार का नौबतपुर में, और इस कुंभ में अनुमानता था कि 3 लाख लोग जुटेंगे, 4 लाख जुटेंगे, लेकिन अनुमान से ज़्यादा जुट गए, 10 लाख 8 लाख के लगभग जो सो ये जुट गए लोग। तो किस लिए जुट गए, तो ये भावना में बह करके, भाव मिक्षति में देवता, हमारे देवता रहे दे, अतिथि देवो भव, संत का जो है सो कहीं दरवाजे से बिहार, बिहार बढ़ कर चढ़ करके आगे सनातन धर्म के प्रति रहता है। ये आज बिहार दिखा दिया कि बागेश्वर बाबा आए और बिहार को भी तो दिखा दिया कि संत का जो सो कैसे स्वागत करते हैं। अनुमान लगाए कि जो सो 3 लाख आएंगे, 4 लाख आएंगे, लेकिन 8-10 लाख जो सो यहाँ पर उमड़ करके भी, क्योंकि अतिथि देवो भव, विदेश से भी आते हैं तो उसको भी हमें जो सो स्वागत करते हैं। ये तो हमारे सनातन धर्म के ही जो सो प्रचार करने वाले हैं, और सनातन अर्थात जो सो हीनम भावम दूरम न पसती सहेव हिंदुओ, हमारे सनातन धर्म में हीन भावना से किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं। इस पद्धति से हम आते हैं, और बाबा भी बार बार यही कहते हैं कि ओ मेरे पागलों, भगवान का जहाँ भी जो सो भक्ति करो वही हनुमान जी जो सो प्राप्त हो जाएंगे। और सारे भाव संत के भाव के प्रति इतना जुट गए लोग, 3 लाख जो जुट ले जाते हैं, 10 लाख जो सो लगभग 8-10 लाख भीड़ जुट गई। ये आज ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे जो कि विदेश में जाकर के डंका बजाए, और बिहार, बिहार का मतलब भी आनंद, संपूर्ण विश्व में हम कह रहे हैं कि बिहारी जो है सो विश्व में कहीं भी रहेगा तो सभी तभी जो है सो वह राज्य का सुरक्षा हो पाएगा, और नहीं तो सुरक्षा नहीं हो पाएगा। एक बिहारी रहेगा तभी जो सो कहीं विदेश में भी रहेगा तो उस देश का भी जो सो सुरक्षा रहेगा। बिहार ये जो सो इस कार्यक्रम से ये साबित हो गया कि हम जो सो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, और हमारे भगवान जो सो बात स्पष्ट रूप से सुन लेते हैं, इसमें दो राय ही नहीं है। क्यों कि संत दरस जीवी पातक तरई, संत के दर्शन मात्र से ही पाप जो सो टर जाता है। ऐसे माते बहने हमारे भाई बंधु वाला कहाँ था जी, जब इनका कृपा है तब ना। क्या आपको मतलब कुछ में व्यवस्था यहाँ पे कैसा क्या लगा? हमको तो बहुत अच्छा व्यवस्था लगा, कोई किसी तरह से व्यवस्था कमी नहीं लगा, मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आए, हम 5 दिन से, हम जहानाबाद जिला से, मेरा नाम किरण देवी है, हम जहानाबाद जिला से बिशुनगंज बाजार से आए हैं।
और हम 5 दिन से पटना में रह के बाबा का इंतजार कर रहे थे। अभी 17 तक रहिएगा नहीं? हाँ, बाबा का दर्शन करने आए तो बाबा के अर्जी कर ही जाएंगे। बाबा के यहाँ तो कुछ का कमी नहीं हुआ, देखिए सब जो मिल रहा है सब प्रभु के दया से सब अच्छा है। और भक्त के लिए क्या बोलना चाहिए जो भक्त मतलब यहाँ पे आने वाले? सब भक्त के लिए भगवान बाबा के दया से आएंगे, सब उनका कृपा है। बाबा बाली जो हनुमान जी हैं सबके कृपा करते हैं, ऐसे भी बजरंग बली तो स्टेशन पर है ही है, सब पर दया करने वाला, उनको अपना बनाना है। चलिए एक बार बोलिए बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आंटी क्या बोलना चाह रहे थे? बोलना चाह रहे थे कि मेरी लड़की 4 साल पहले खो गई है, अब बाबा से हम रिक्वेस्ट करने आए थे कि बाबा से अर्जी लग जाता, अब मेरी लड़की कहाँ पर है हमें पता मिलता, सपोर्ट थोड़ा मिलता तो मिलता तो पता चलता, बताते कि कहाँ है या भी ना है, कोई सूचना कोई खबर अभी तक नहीं मिला। क्या नाम है उनका आपके बेटे? अनु गुप्ता। हाँ, मम्मी का नाम? पूनम कुमारी। पापा का नाम? संजय प्रसाद गुप्ता। कहाँ करेंट मतलब जो परमानेंट एड्रेस? हम लोग है दीघा, दीघा घर दो रोड। दिन से खोई हुई है? 4 साल हो गया, चौथा साल जा रहा है उसका। तो क्या रिक्वेस्ट आप करना चाहिए बाबा से? बाबा से यही कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी कहाँ पर है कैसे है थोड़ा उसका पता मिल जाए, बुला दे घर आ जाए, घर आ जाए, घर आ जाए। यही अर्जी हमारा भी अर्जी है, मेरी बेटी एक आईएएस के तैयारी कर रही है और क्या बेटा भी है, बेटा थोड़ा सा मान के चलिए सबका दिमाग सही रहे, बाबा मनोकामना पूरा करे कि बच्चा बहुत तपस्या कर रहा है पूरा हो जाए। दूसरा एक बच्चा जो है मेरा नहीं है, 2 बेटा था एक वो पर जिंदगी दे बढ़िया से वो सही रास्ता पर चले, यही सब अर्जी बाबा से कहते हैं कि आप बताइए। यही चाहते हैं कि मेरे और बाबा को एक अर्जी और कहते हैं ये वो मेरा नाती हो जाए, ये भी मनोकामना से ही अर्जी बाकी है। बाबा हमारा लड़का बारन बहुत दिन से नौकरी खाती तरसता रहन तपस्या करता रहन, 1 नंबर खाती 2 नंबर खाती छटा जाता रहन, ये बाबा से आस्था को लेकर क्या पाएंगे? हाँ यही सब लगे कि मारे जो काम में लगा तो लोग नो हमारे लड़का वो काम में बाधा पड़ जाता, कोनो काम आगा मुझे होते नहीं है, जो काम विकास का लिए कि कुछ काम हो गया। एक लड़का है मेरा भी, उसको पढ़ने में मन नहीं लगाता है, उदंडता ज़्यादा करता है। एक लड़की है अभी पढ़ाई कर रही है, बाबा के कृपा हो तो उसका नौकरी लग जाए तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। नौकरी लग जाएगा तो फिर बाबा से मिलिए? हाँ हाँ, बाबा वहाँ जाके बागेश्वर धाम जाए, धाम पर जाके मिलेंगे। दौड़ में गया है काले से, दौड़ में लड़का गया है, काल उसका दौड़ है, बाबा के कृपा की हमारा लड़का की नौकरी हो जाए फिर बाबा से हम लोग मिले। फिर से बोल दीजिए बात, अभी मेरी बेटी आईएएस की एग्जाम देगी, बाबा लड़का जो काम करो लोकताना में शांति मिले कि हम बाबा से हम फिर मिले, बाबा के हम नाम ले हमें बाबा हमारे आगा मुहे बढ़ती हमारा बाबा दिए, परिवार हमारा अर्जी है बाबा कि हमारा बाबू लोग आगा मुहे बढ़ाए और बाबू जी हमारा नौकरी दे दी, बाबू के नौकरी हमारा दे दी। अर्जी एक और है मेरा, 2 आदमी मेरा पैसा 10-10 लाख रुपया ठक लिया है, अर्जी को लेकर क्या पाया था जी? बहुत ज्यादा कष्ट में है, चिंता में रहते हैं बाल बच्चा लेकर के सब बोले कि आगा मुहे हम लोग का बढ़ती नहीं होता है, जो काम में लड़का लोग लगता है वो काम में बाधा लग जाता है। एक बार बोलिए फिर से बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम की जय, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर का ये नज़ारा है, जिसके अंदर बाबा बागेश्वर धाम का जो है यहाँ पे प्रवचन होता है और इसी के अंदर जो है दरबार लगने वाला है, देख सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब यहाँ पे रिव्यू है और किस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ देख सकते हैं, और अभी इधर चल रहा है।